वेलकम बैक टू द फिलोसोफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एडवर्ब। तो व्हाट इज रिलेटिव एडवर्ब? तो आप लोग कह सकते हैं कि एन एडवर्ब दैट इंट्रोड्यूस अ क्लॉज क्वालिफाइंग एन एंटीसीडेंट्स इट इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब, राइट। तो आप लोग रिलेटिव एडवर्ब देख लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल में देखिए, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हेंस, व्हाट एवर, हाउ, व्हाट, वेयर इवर, वाइदर, राइट। ये सब क्या है? रिलेटिव एडवर्ब्स के एग्जाम्पल है। तो आप लोग सेंटेंस देखिए, जैसे आई नो वेन सी विल रिटर्न, यानी कि मैं जानता हूं कि वह कब आएगी, यानी कि कब वापस लौटेगी, राइट। आई नो, मैं जानता हूं, वेन यानी कि कब, सी विल रिटर्न यानी कि वह कब वापस होगी, यानी वापस लौटेगी, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे I am not understanding why she is upset, यानी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वह क्यों upset है, यानी कि क्यों वह upset है, right? Third example देखिए, they know, यानी वे जानते हैं कि where I play, यानी कि मैं कहाँ खेलता हूँ। They know, यानी कि वे जानते हैं कि where I know, sorry, हाँ, they know, यानी वे जानते हैं कि where I play, कि मैं कहाँ खेलता हूँ। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऑल हैड गॉन, यानी कि सभी लोग जा चुके थे, व्हेंस, राइट, व्हेंस ही इंटर्ड इन, यानी कि जहां से वह लोग प्रवेश किए थे। अगला एग्जाम्पल देखिए, गिव मी, मुझे दीजिए, व्हाट एवर यू हैव, यानी कि जो भी कुछ आपके पास है वो मुझे प्रोवाइड कीजिए, यानी कि दीजिए, गिव मी यानी कि मुझे दीजिए, व्हाट एवर You have, यानी कि जो भी कुछ आपके पास है वो मुझे दीजिए। अगला देखिए, जैसे you can't imagine, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि how, कैसे, I did this, कि मैंने इसे कैसे किया। You can't imagine, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि how, कैसे, I did this, कि मैंने इसे कैसे किया। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे you know, आप जानते हो, What I want to say, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। You know, आप जानते हो कि what I want to say, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो here जो यहाँ पे what है, ये जो है कि ये देखिए, इसमें double clause है। देखिए कि यहाँ से you know और फिर I want to say, यानी मैंने आपको relative adverb के exam definition में ही बता दिया था कि मतलब relative adverb के purpose क्या होते हैं, उसके concept क्या होते हैं। अगला देखिए कि आई विल फॉलो, मैं आपको अनुसरण करूंगा, यू वेयर इवर यू गो, यानी कि जहां कहीं भी हो, यानी कि आई विल फॉलो, मैं आपको अनुसरण करूंगा, यानी कि फॉलो करूंगा, यानी यू वेयर इवर यू गो, यानी कि जहां कहीं भी आप गए हो, राइट। अगला देखिए, जैसे आल नो, सभी लोग जानते हैं, आल नो, सभी लोग जानते हैं कि वाइदर वी फाइंड हिम, कि यानी कि जिधर 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 हम उसे ढूंढते हैं, यानी कि ऑल नो, सभी जानते हैं, वाइदर यानी कि कहाँ, या चाहे जिधर, वी फाइंड हिम यानी कि हम उसे तलाशते हैं, यानी कि खोजते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ रिलेटिव एडवर्ब में क्या होता है। तो रिलेटिव एडवर्ब देखिए क्या है, जैसे कि ये यहाँ पे वेन है, यहाँ पे डबल क्लॉज है, देखिए आई नो एक क्लॉज है, सी विल रिटर्न एक क्लॉज है, इधर देखिए आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एक क्लॉज है, सी इज अपसेट एक क्लॉज है, और इधर देखिए दे नो और एक क्लॉज है, आई प्ले एक क्लॉज है, यहाँ पे देखिए ऑल हैड गोन और यहाँ देखिए ही इंटर्ड इन, यहाँ देखिए गिव मी और देखिए यू हैव, You can't imagine, I did this. इधर देखे you know, अब यहाँ पे I want to say, यहाँ देखे I will follow, और यहाँ पे क्या हो जाएगा you go, और यहाँ पे I'll know, और यहाँ पे we find him. तो यहाँ पे देखिए दो क्लॉज है, तो what is क्लॉज क्या होता है कि क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब, इट इज कॉल्ड क्लॉज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो यहाँ पे
वेन ये जुड़ा है ये दोनों क्लास के बीच में या दो सेंटेंस के बीच में, इस क्लास के बीच में जो जुड़ा है वेन, ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव एडवर्ब हो जाएंगे। और इधर देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग सी इज अपसेट, और यहाँ देखिए वाई जो जुड़ा है इसमें बीच में कनेक्टर का काम कर रहा है, कनेक्शन का काम कर रहा है, ये वाई क्या हो जाएगा? रिलेटिव एडवर्ब हो जाएंगे। और इधर देखिए दे नो और वेयर आई प्ले, वेयर इज क्या हो जाएगा? रिलेटिव एडवर्ब हो जाएंगे। ऑल हैड गोन वेंस ही इंटर्ड इन, यहाँ पे वेंस क्या हो जाएंगे? ए रिलेटिव एडवर्ब्स हो जाएंगे, राइट। इधर देखिए आप लोग, गिव मी व्हाट एवर यू हैव, यानी कि मुझे दीजिए जो भी कुछ आपके पास हो, तो यहाँ पे व्हाट एवर क्या हो जाएंगे? रिलेटिव एडवर्ब्स हो जाएंगे। अब देखिए यू कांट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते कि हाउ आई डिड दिस, यानी कि मैंने इसे कैसे किया, तो हाउ इज अ रिलेटिव एडवर्ब्स, राइट। यू नो, आप जानते हैं What I want to say, कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। Here want is a relative adverb है, ये रिश्ता दिखला रहा है कि, यानी कि you know और I want to say के बीच में क्या है, रिश्ता को जो दिखला रहा है वो क्या हो जाएगा? relative adverb हो जाएंगे। I will follow you, मैं आपको अनुसरण करूंगा, यानी कि where ever you go, यानी कि जिधर आप गए हो, यहाँ पे यहाँ देखिए I will follow और यहाँ पे देखिए I will follow you और यहां पर देखिए यू गो, इनके बीच में जो वेयर इवर है यही क्या हो जाएंगे? रिलेटिव एडवर्ब्स हो जाएंगे। लास्ट एग्जांपल देखिए, ऑल नो यानी सभी जानते हैं वाइदर वी फाइंड हिम, तो यहां पर देखिए ऑल नो और वी फाइंड हिम के बीच में जो रिश्ता दिखला रहा है यानी वाइदर, ये क्या हो जाएंगे? रिलेटिव एडवर्ब हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।